हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सब लोगों का सरदाना के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और हमारी जो कहानी है उसका नाम है सांप और मेंढक। सांप देखा है ना, ऐसे ऐसा होता है सांप और मेंढक फुदक फुदक के कूदता है। हाँ, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सांप और मेंढक एक दूसरे के शत्रु होते हैं। शत्रु यानी कि दुश्मन। जैसे ही सांप मेंढक को देखता है वो उसको दबोच लेता है और खा जाता है। तो आज जो हमारी स्टोरी है ना, वो है सांप और मेंढक पर। ठीक है, तो हम शुरू करें। जो हमारी स्टोरी है उसमें सबसे पहले आता है मेंढक। देखो कितना क्यूट है, कैसे आंखें छप 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 कर रहा है ना। तो ये जो मेंढक है ना, इसका नाम है विक्रम दत्त। और ये जो था एक घने जंगल में बने हुए कुएं के अंदर राजा बना बैठा था। और जो ये विक्रम दत्त नाम का राजा था, ये बड़ा ही अनुशासन पूर्ण राजा हुआ करता था। यानी कि इसके राज्य में ये जो है अनुशासन का बहुत पालन करता था। और उसी की वजह से कुछ जो इनके साथी थे मेंढक भाई के, जो इनके इर्द गिर्द और कुएं में जो दूसरे मेंढक थे, वो जो थे कुछ कुछ जो थे उसमें विद्रोही किस्म के थे। यानी कि वो जो हैं विक्रम दत्त से जलते थे और इसलिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। और वो लोग क्या करने लगे, किसी न किसी तरह से विक्रम दत्त को परेशान करने लगे। और एक बार तो उन्होंने विक्रम दत्त पर हमला ही कर दिया। लेकिन विक्रम दत्त चूंकि समझदार था तो उसने उनको दबा दिया, यानी उस विद्रोह को खत्म कर दिया। लेकिन इसके पश्चात जो विक्रम दत्त नाम का राजा है वो थोड़ा सा क्या हो गया, उदास हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुकुट मुझसे छिन जाए। देखो यहाँ मुकुट रखा है, मुझसे मेरा ताज कोई छीन न ले। उसको इस बात की टेंशन होने लगी और वो इसी विचार में अपनी पत्नी के साथ सोच विचार करने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए। तब उसने विचार किया कि क्यों न मैं किसके पास जाऊं, सांप के पास जाता हूं। और वो क्या हुआ, विचार करने के पश्चात एक जो उसकी जो कुआ था उसके अंदर एक जंजीर लटक रही थी, उस जंजीर के सहारे वो बाहर निकल गया। दिख रहा है ना आपको, वो जंजीर से चढ़कर राजा बाहर जा रहा है। तो जंजीर से चढ़कर राजा जो है बाहर चला गया और किससे मिलने गया, हाँ वो मिलने गया सांप से, जो कि उसका जानी दुश्मन था। लेकिन फिर भी उस समय में मेंढक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना सांप से मिला जाए, सांप से अपनी समस्या पर विचार विमर्श किया जाए। तब वो सांप से मिलने गया। अब सांप से उसकी बातचीत होना थी, तो जैसे ही वो गया तो उसने वहां पर जाकर जो सांप का बिल बना हुआ था वहां पहुंचकर बाहर से ही दूर, थोड़ी दूर से, ताकि ऐसा ना हो कि सांप उस पर हमला कर दे, इसलिए थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उसने सांप को आवाज लगाई। कैसे, नागराज, ओ नागराज। तो नागराज ने सुना और सोचा कि मुझे कौन आवाज लगा रहा है। तब नागराज अपने बिल से बाहर आ गए। देखो कैसे बिल से बाहर आके खड़े हैं और वो देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, मेंढक को। देख लो ये कुआ है और कुएं से बाहर आके मेंढक को देख रहे हैं। तो जो मेंढक है, वो मेंढक जिसका नाम विक्रम दत्त है, उसने नागराज से कहा कि मैं आपसे मित्रता करने आया हूँ। तो सांप ने कहा, तुम्हारी और मेरी मित्रता, हा हा
तुम्हारी और मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? तुम तो मेरे पक्के दुश्मन हो। तो मेंढक ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आप और मैं दुश्मन हैं, पर फिर भी मैं आपके पास एक ऐसी योजना लेकर आया हूँ जिससे आप फायदे में रहेंगे। तो नागराज ने सोचा, देखें क्या बोलता है, ये कौन सी ऐसी योजना है इसके पास जिससे मेरा लाभ होने वाला है। तो नागराज ने कहा, कहो कौन सी योजना है। तब विक्रमदत्त ने उन्हें जो सांप है उसे अपनी बात बताई, अपनी योजना बताई। उसे बताया कि मैं जिस कुएं में रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारे मेंढक हैं, लेकिन वो मेंढक में से कुछ मेंढक जो हैं मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे आराम से राज्य करने नहीं दे रहे हैं। तो आप मेरे साथ चलिए और उन मेंढकों को खा जाइए, पर आप इस बात का ध्यान रखना कि आप सिर्फ उन्हीं मेंढकों को खाना जिनका मैं बारे में बताऊं। तो नागराज ने बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर कुएं में पानी होगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। क्या कुआं सूखा है क्या जो मुझे तुम लेकर जा रहे हो? तब मेंढक ने कहा कि वैसे तो कुएं में बहुत पानी है, लेकिन उसी कुएं में किनारे से एक बहुत बड़ा छेद है, उस छेद में तुम आराम से रह सकते हो। तो नागराज ने सोचा कि चलो ये खुद ही अपनी गुप्त जगह बता रहा है तो चलने में क्या बुराई है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और नागराज जो है वो विक्रमदत्त के साथ कुएं में जाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो नागराज है वो धीरे धीरे क्या करने लगा, मेंढकों को खाने लगा। देखो ये नागराज देखो कैसे कल्पना कर रहा है कि अब जो है वो खा जाएंगे, एक एक करके सारे मेंढक जो हैं उनको वो खाने लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि देखो ये नाग आया और वो छेद के अंदर बैठ गया और क्या करता, धीरे से मेंढक को पकड़ लेता और खा जाता। और इधर से देखिए ये हमारे विक्रमदत्त मेंढक हैं, इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इशारा किया इसको खा जाओ। ये क्या करते थे, जिस जिसको इशारा करते थे उसको नागराज क्या करते, खा जाते। तो ये इशारा करते बताते जाते और नागराज जो है मेंढकों को खाते जाते। अरे वाह मजा आ गया, नागराज हर बार मेंढक को खाकर बड़ा आनंदित होता और सोचता, अरे वाह कितना अच्छा हमें ये भोजन उपलब्ध हुआ है, बिना किसी मेहनत के ही मैं तो भर पेट भोजन कर लेता हूँ। और वो बड़ा खुश होने लगा। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, धीरे 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 सारे मेंढक जो हैं ख़त्म होने लगे। देखो ये मेंढक सारे ख़त्म होने लगे, अब पानी में मेंढक ही नहीं बचे। अब जो है जो हमारा राजा है विक्रमदत्त नाम का मेंढक, वो सोच में पड़ गया, वो विचार करने लगा कि अब तो मेरे जितने भी शत्रु थे वो सारे मारे गए। और अब मेंढक जो है वो इस चिंता में लग गया कि नागराज जो है अब उन मेंढकों को भी खाने लगा है जिनको उसने नहीं खाने के लिए कहा था। अब उसको चिंता होने लगी, किसको, विक्रमदत्त मेंढक को। उसे ये चिंता होने लगी कि अब मैं कैसे अपने जो सगे संबंधी हैं उनको बचाऊं। लेकिन अब उसके हाथ में कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करता तो क्या होता, सांप जो नागराज है उसको भी खा जाते। इसलिए वो चुपचाप बैठकर अब नज़ारा देखने लगा, वो टेंशन में हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, ये तो मेरे सारे ही सगे संबंधियों को खाने लगा है। अब क्या हुआ कि आगे चलकर जो एक दिन जो मेंढक है यानी कौन, विक्रमदत्त नाम का राजा, उसने नागराज से हिम्मत करके कहा, देखो ये इशारे से उंगली उठाकर कह रहा है कि आप मेरे बहुत सारे साथियों को खा चुके हो,
अब आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से चले जाओ। आपने मेरे दुश्मनों का सफाया कर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, मेरे साथियों को खाने लग गए हो, तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे साथियों को खाओ, इसलिए अब आप चले जाओ। लेकिन नागराज एकदम गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला कि तुम्हारी मर्जी से मैं आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं जाऊंगा, मुझे भूख लगी है और मैं मेंढक खाऊंगा। लेकिन नागराज जो है वो मानने वाला नहीं था। अब क्या हो, तो मेंढक राज को अब टेंशन होने लगी। वो विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। किस गलती का, वो सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो सांप को इस कुएं में ले आया। अब मैं क्या करूं, मेरे रिश्तेदारों को मैं कैसे बचाऊं। अब उसका दिमाग जो है दूसरी तरफ दौड़ने लगा। तब सांप ने यानी नागराज ने किससे, विक्रमदत्त से कहा कि मेरी भूख का तुम्हें कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तब मेंढक के दिमाग में एक नई योजना आई और उसने जल्दी से चालाकी के साथ नागराज से कहा कि मैं बाहर अपने कुछ साथियों को जानता हूँ। कहाँ बाहर, कुएं के बाहर, और अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उन्हें बुला कर ले आता हूँ। ऐसा बोलकर वह अपने जो दूसरे जो संबंधी थे उनको धीरे धीरे चालाकी से ऊपर ले गया और उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने लगा। देखो ये यहाँ पर देखो कैसे बाहर निकलने लगे हैं, और सांप जो है वो सोच में पड़ गया है। ठीक है, ये जो है बाहर निकलने लगे, और इसी बीच में जितने भी सांप थे वो सॉरी जितने भी मेंढक थे वो सब बाहर निकल कर आ गए। दिख रहे ना आपको, सब मेंढक बाहर आ गए। और बाहर आकर किसने, मेंढक राज ने सांस ली और सोचा कि अब मुझे इस समस्या से निजात मिल गई। और उसने फिर कान पकड़े कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मदद के लिए शत्रु पर कभी विश्वास न करो। जब भी आपको किसी भी तरह की परेशानी आए तो अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो, लेकिन बाहर किसी से बात नहीं करना, क्योंकि बाहर कौन आपका दुश्मन है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी आपको समस्या आए, जिस भी चीज़ की कठिनाई हो, उसके लिए आप मम्मी पापा से बात करें। ये कहानी हमें यही सीख दे रही है कि बाहर अगर हमने किसी से कुछ मदद मांगी तो हो सकता है कि वो हमारा फ़ायदा उठा ले। तो हमें कभी भी अपने घर की बातें, अपनी बातें, या अपने लिए कोई भी किसी चीज़ की जो हमारे घर पर जो बातें होती हैं वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना, मेंढक और सांप की ये कहानी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।